एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्वांटिटेटिव प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपको हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहले आप सवाल को देख लीजिए, प्रैक्टिस अपने आप करने की कोशिश कीजिए, बाद में वीडियो प्ले कीजिएगा। तो देख लिया, तो अब आप करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, परसेंटेज दिया है और यहाँ पर दो जीरो हैं, तो इस परसेंटेज को दो जीरो से काट देते हैं। तो 23 × 23 कितना हो गए, 529 माइनस, इसमें अगर 255 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17 × 1 = 8 बचेगा, तो कितना होगा, 17 × 5 ये हो गए 15। और उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 18 = 2 = 36 और प्लस यहाँ पर एक क्यू होगा, किसका क्यू होगा देखते हैं। यहाँ पर यहाँ से 15 अगर ये यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 17 दोनों से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 9 = 7 गया तो 2 × 2 = 1 गया तो 1 और ये रह गया 5। 512 किसका क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, तो आंसर हमारा 8 हो गया। तो देखिए, नेक्स्ट सवाल जाने से पहले हमें आपको टू डिजिट नंबर कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, टू डिजिट नंबर कैसे किया जाता है। जैसे कि हमें नंबर दिया है 26 × 37, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से जल्दी। तो देखिए, पहले हमको ये लिखना है 26 यहाँ पर, जैसे भी आपको ऊपर लिखना है तो ऊपर लिखिए, नीचे लिखना है तो नीचे लिख भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उसका कोई हमें ज़रूरत नहीं है वैसे। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 3 × 6, 3 × 2 = 6 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 6 × 3 = 18 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14 हो गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 7 × 6 = 42 हो गया। पहले हम इस डिजिट को लेंगे, वन डिजिट को, यहाँ पर 2 ले लिया। अब ये जो 4 है ना, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हो गया, 8 + 4 = 2 8 + 4 + 4 = 12, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर आएगा, तो ये एक एक मिलके 3 हो गए, 32 हो गए। तो 4 अगर यहाँ पर ऐड होगा तो कितना हो गया, 36 हो गया। 36 से यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे और 3 जाएगा यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 962। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, 962 हो गया। आप देखिए, अगर हमें 25 का स्क्वायर तो आपको मालूम ही होगा कितना है, 625 है। अगर 95 का हमें मालूम करना है तो कितना कैसे मालूम करेंगे, अगर टू डिजिट होगा तो हम अच्छी तरह से ऐसे ही कर सकते हैं, उसका उससे भी ज़्यादा जल्दी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर हम 35 का अगर निकालेंगे तो कितना होगा, पहले हम 5 है यहाँ पर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ पर हम 3 लेंगे, 3 और उसका यहाँ पर जो भी डिजिट होगा उसका प्लस 1 लेंगे, प्लस 1 कितना हो गया, 4, इसका प्लस 1 कितना हो गया, 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 12, जो कि अब यहाँ पर होगा, तो कितना हो गया, 1225 है 35 का स्क्वायर, समझ गए। ये सब याद रखना, ये सब नेक्स्ट सवाल में काम आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो प्ले कीजिएगा। तो
तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर टू डिजिट दिया है, यहाँ पर भी टू डिजिट दिया है, आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। अगर आप कुछ जल्दी से जल्दी करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 46 है जो कि 45+1 है, यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 33+1 24 भी है, यहाँ पर भी ऐसे ही 34 35 है। आप क्या कर सकते हैं, हम 46 की जगह 45+1 लिख सकते हैं, कैसे देखिए, 45 × 45+1 हो गया, अब वैसे ही 23 × 23+1 −34 × 34+1 हो गया, इसको हम बाद में देखेंगे, रहने दीजिए इसको। अब देखिए 45 × 45 मतलब 45 का स्क्वायर, कैसे मालूम करें, जैसे मैंने पहले बता दिया था कैसे, अगर 5 हो लास्ट डिजिट में कैसे उसका स्क्वायर निकालें, कैसे निकालें, यहाँ पर 5 है तो लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा, आ गया। अब यहाँ पे जो भी डिजिट होगा उसका, ये 4 है और इसका +1 उसका मल्टीप्लाई होगा, सॉरी उसका +1 जो कि 5 है मल्टीप्लाई होगा, क्या है 4 × 5 कितना हो गया, 20 हो गया, तो 45 का स्क्वायर कितना हो गया, 2025 हो गया। अब प्लस, अब 41 × 1 कितना हो गया, 45 हो गया। अब 23 × 23 का स्क्वायर कितना है, ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो कि 529 है, हो गया। अब प्लस 23+1 कितना हो गया, 23। अब माइनस 34 × 34 कैसे करें, अब जैसे मैंने पहले बता दिया था 34 × 34 कैसे करें, यहाँ पर 4 4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 × 4 16, अब 4 × 3, ये 4 × 3 कितना हो गया, 12 12 24, अब यहाँ पर कितना है, 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया, तो कितना आएगा, 6, लास्ट डिजिट ले लिया हमने, अब ये 1 जाके यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, 25, अब 25 हो गया, 25 का 2 जाके कहाँ पे, 9 9 से ऐड हो जाएगा, 9+2 कितना हो गया, 11, तो 34 का स्क्वायर कितना आ गया, 1156 हो गया। अब ये −34 × +1 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, −34 आएगा। अब सब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 6+10 कितना हुआ है, 10 हो गया, 6+4 10 हो गया। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ये भी 10 हो गए, तो ये क्या कट गए, 5 और 5 और ये 6 और 4, 10 कट गए। अब बचा कितना, 9 और ये 3, 9+3 कितना हो गया, 12, अब 12 का 1 जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 3 बन गया, 3+4 7 बन गया, 7+2 9 बन गया, 9+2 11 बन गया, 11 11 से ये कितना जाएगा, 5, 11 से 5 जाएगा तो कितना रह गया, 6, 6 से 3 गया तो कितना हो गया, 3 रह गया, हो गया, समझ गए ना, वरना आप अपने तरीके से भी माइनस प्लस कर सकते हैं, ये आप ज़्यादा कुछ लिख नहीं जानते हैं, देखते देखते आपको करना है। अब यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, 5 से 1 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से 2 है और यहाँ पर 1 है तो कितना हो गया, 2 से 1 गया तो 1 हो गया, तो अब ये 1432 आ गया। अब इसे लेते हैं 8/7, तो अब 8 से काट लीजिए इसे, कितना हो गया, 8 1 6
179 आ गया। अब 7 इसको यहाँ पर जाएगा तो कितना आएगा, 7, तो कितना हो गया 7 × 179, 7 × 9 कितना हो गया, सॉरी 363, और 6 रह गया, 7 × 7 49, 49 प्लस 6 55, 55 का 5 रह गया, 7 × 1 कितना हो गया 7, 7 प्लस 5 12, तो हमारा आंसर क्या है 1253, जो कि ऑप्शन नंबर ये है 1253। क्वेश्चन नंबर 3, पहले आप सवाल को अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए अपने आप करने की, हो गया। देखिए यहाँ पर परसेंटेज दिया है, यहाँ पर 2 0 कट जाएंगे परसेंटेज से, कैसे कट जाएंगे देखिए, अगर 80% है तो 80/100 है, ये × 900 है, तो यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 2 0 है, जो कि कट गए, हो गया। अब जब भी ऐसे परसेंटेज आए तो यहाँ से डायरेक्ट कट कट कर लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी। तो अब ये कितना हो गया 720 प्लस 16 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब 11 का क्यूब कितना है 1331 माइनस 99 हो गया। अब यहाँ से माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 से 9 तो जाएगा नहीं, 11 से 9 जाएगा तो कितना आ गया 2। अब यहाँ पर 2 है, 2 से 9 जाएगा तो कितना हो गया 3, जबकि 13 12 से 9 गया तो 3 हो गया। अब यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर 1 है, 1232 हो गया। अब 720 है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, 720 माइनस किया तो कितना हो गया, ये 700 है। अब ये 2 हो गया, अब 3 से 2 गया तो कितना 1 हो गया। अब 12 से 7 जाएगा तो कितना हो गया 5, 512, 512। अब यहाँ पर कितना बचा है 16 का स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क। अब हम 16 को ऐसे लिखते हैं, 16 का स्क्वायर 16 × 16 ऐसे लिख दें तो हमें काटने में ज़्यादा आसानी होगी। ये 16 का पहले हम इसको 16 × 3 48 हो गए, 48 51 से 48 चला गया तो कितना 3 बच गया, 3 और ये 2 कितना हो गया 32 हो गए, 16 × 2 कितना हो गया 32, 32 आ गया। अब ये 2 × 2 आंसर कितना आ गया 2 आ गया, आंसर है हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट accrued ऑन ए अमाउंट ऑफ 17,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इज 6,800। 17,000 का सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए 6,800 है, 4 साल के लिए 4 ईयर्स के लिए 6,800 है, तो फिर 1 ईयर के लिए कितना होगा 6,800/4, तो हमारा ये 1 ईयर के लिए आ जाएगा तो कितना आएगा 1700, 1 ईयर के लिए 1700 आता है। अब ये 1700 17,000 का कितना परसेंटेज होगा 10% होगा, 17,000 का 10% 1700 होता है, तो फिर ये 10% आ गया। ये 10% क्या है, सिंपल इंटरेस्ट रेट है पर ईयर। अच्छा अब ये व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट accrued ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट इन 2 ईयर्स। आप पूछ रहा है कि 17,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, उतना ही सेम इंटरेस्ट जितना कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते वक्त लिया था, तो कितना लिया था 10% लिया था। अब हमें 17,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, तो पहले तो हम लेते हैं 1700 पहला ईयर का, दूसरा 1700 सेकेंड ईयर का, हो गया 2 साल के लिए। अब इसका 10% ऐड होगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट में तो यही होता है, 1700 का इंटरेस्ट, 1700 को 10% कितना होगा, 170 हो गया। अब सबको मिला लो कितना हो गया, ये 1700, ये 1700 कितना हो गया, 3400, और ये 170 कितना हो गया, 3570। हमारा आंसर क्या हो गया, ये 3570। तो ये थे आज के कुछ सवाल जो हमने सॉल्व किए, ये पार्ट वन है, और इसका पार्ट टू भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा आप सबको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।